हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्कू डायरी। एंड मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ मेरा न्यू बॉर्न बेबी हॉल। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेबी ड्रेसेस। सबसे पहले मैंने ये वेस्ट का सेट परचेस किया है, जो कि मैंने फर्स्ट क्राई से परचेस किया है। ये 100% कॉटन है एंड ऑब्वियसली आई डोंट नो कि बेबी बॉय होगा या गर्ल, तो मैंने ब्लू, पिंक, येलो सारे कलर्स परचेस कर लिए। सो फर्स्ट वन इज़ दिस ब्लू वन एंड ये 100% कॉटन है। 0 to 1 month तक ही आएगा और ये मेड इन इंडिया है ऑब्वियसली। बहुत ही प्यारे प्रिंट्स हैं और बहुत सॉफ्ट और अच्छे वाला कॉटन है ये। नेक्स्ट इज़ दिस स्किन कलर। ये स्किन पीच स्किन कलर है। अगेन समर्स में बहुत अच्छे रहने वाले हैं ऑब्वियसली। जो बेबी आएगा मेरा वो जुलाई लास्ट या फिर अगस्त में। दिस लेमन कलर, ये बहुत प्यारा मुझे लगा, इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है। सो एक ये सेट हो गया। सेकंड वन अगेन एक और वेस्ट का मैंने सेट परचेस किया है, जिसमें दो ब्लू हैं और एक पीच कलर है। ये डॉटेड वाला प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड अगेन ये भी 100% कॉटन है, समर्स में बहुत अच्छा रहेगा और मेड इन इंडिया है। फर्स्ट क्राई से मैंने परचेस किया है। इन सारे प्रोडक्ट्स के, सारे क्लॉथेस के मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आपको स्क्रीन पर इनके रेट्स भी मैं दे दूंगी। सो सेकेंड वन इज़ दिस और ये बहुत अच्छा रहने वाला। नेक्स्ट वन इज़ दिस शॉर्ट सेट, जो कि अगेन मैंने फर्स्ट क्राई से परचेस किया है। ये भी बहुत प्यारा पीच कलर है और इस पर बहुत अच्छा सा मम्मी लव्स लिखा हुआ है और बहुत अच्छा सा प्रिंट बना हुआ है एक साइड। 100% कॉटन है अगेन एंड ये 1 to 3 month तक बेबी को आ जाएगा आराम से। ये भी बहुत प्यारा सेट है। इसके नीचे ये शॉर्ट्स हैं, आई थिंक आपको अच्छे से दिख रहा होगा, प्रिंट बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली ऊपर प्लेन है बिल्कुल, तो नीचे ये प्रिंटेड हो गया। नेक्स्ट मैंने एक लिया है कैप्स का सेट। ये कैप है बेबी की एंड इसका पूरा सेट है। ये बूटीज़ हैं, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, जिग जैग इस पर प्रिंट बना हुआ है। ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से परचेस किया है, अगेन 100% कॉटन है। ये मिटन्स हैं एंड एक और मैंने सेट लिया है कैप का, दिस वन। इसमें चेक वाला डिज़ाइन बना हुआ है, पीच बेबी पिंक कलर है ये। एंड ये बूटीज़ हैं बेबी के, बहुत प्यारा है ये, आई थिंक बेबी गर्ल के लिए तो बहुत अच्छा है ओबियसली। और ये मिटन्स हैं। ओके सो नेक्स्ट वन इज़ दिस हुड टॉवल। ये हुडेड टॉवल है एंड आई थिंक मुझे एक हुडेड टॉवल भी चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम बेबी को नहलाकर वॉशरूम से लेकर आते हैं और फैन चला होता है तो ठंड भी लग सकती है, तो हम उसको आराम से इसमें बेबी का सर आ जाएगा। एंड काफ़ी बड़ा है ये साइज़ और अगेन इसका प्राइस भी मैं आपको स्क्रीन पर दे दूँगी। काफ़ी अच्छा कपड़ा है, ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से परचेस किया है, लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अच्छे वाला मटेरियल है। ओके नेक्स्ट इज़ द सेट ऑफ दीज बेबी वॉश क्लॉथ्स। ये 5 का पैक है जो कि मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया है एंड यू नो ये बहुत ही मतलब अच्छे वाला ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक मसलीन कॉटन क्लॉथ्स हैं, जो कि जिसमें बिल्कुल भी हार्मफुल केमिकल्स और डाइज नहीं हैं। सो यू नो जब आप बेबी को बर्प कराते हैं शोल्डर्स पर, तो इसको ऐसे यहाँ पर रख के भी बर्प करा सकते हैं, क्योंकि यू नो ऑब्वियसली कि बेबीज मिल्क निकालते रहते हैं। प्रिंट्स भी इनके काफ़ी अच्छे हैं, ये मैं आपको प्रिंट दिखा देती हूँ वन बाय वन, आई थिंक आपको अच्छे से दिख रहा होगा। सेकंड वन इज़ दिस, काफ़ी अच्छे प्रिंट हैं और मतलब ये तो ऑब्वियसली चाहिए ही, और 6 layers है ये, इसमें 6 layers हैं। थर्ड वन इज़ दिस, फोर्थ एंड दिस इज़ द लास्ट वन। ओके एंड नेक्स्ट इज़ दिस बेबी डॉल। ये अगेन मैंने अमेज़ोन से परचेस किया है। पिंक कलर है इसका, बहुत प्यारा कलर है और ये बहुत, साइज़ भी इसका काफ़ी बड़ा है ऑब्वियसली। ये आपका, मैं आपको इसको पूरा ओपन करके दिखाती हूँ, ये दिख रहे हैं। इसका प्रिंट बहुत प्यारा है और ये बहुत ही सॉफ्ट सा कपड़ा है इसका, बहुत अच्छा, अच्छे वाला फैब्रिक है, मिमी ब्रांड का है। ये मैंने परचेस किया है अमेज़ोन से, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।
और ये आपको न्यूबॉर्न के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और बाद में भी आपको ये आराम से चल जाएगा क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है। एंड नेक्स्ट वन इज़ अ सेट ऑफ नैपीस। ये पूरा 10 नैपीस का सेट है जो कि मैंने अगेन अमेजोन से परचेज किया है। ये भी कॉटन में है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको मिल जाएंगे, ब्लू, और ये स्किन कलर आपको मिल जाएगा। स्किन कलर मैं आपको दिखा देती हूँ, स्किन कलर आपको मिल जाएगा। एंड क्योंकि ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा डायपर यूज़ नहीं करने वाली हूँ, तो नैपीस तो ऑब्वियसली बहुत सारे मुझे चाहिए, तो ये मैंने 10 का सेट परचेस किया है अमेज़ोन से। एंड इसमें रेड कलर का भी आपको दिखेगा, रेड भी है। बहुत सूदिंग से इसके कलर्स हैं, और मटेरियल भी बहुत अच्छे वाला कॉटन है इसका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रैशेज़ वगैरह की। ऑब्वियसली डायपर्स तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाली हूँ, सो ये बहुत अच्छा रहने वाला है समर्स के अकॉर्डिंग। ओके, सो नेक्स्ट इज़ दिस सेट ऑफ डायपर चेंजिंग मैट। ये मैंने फर्स्ट क्राई से परचेस किया है, और ये आपको 0 से आई थिंक 1 ईयर तक आपको आराम से चल जाएगा। एंड ऊपर इसमें जो फैब्रिक है वो कॉटन का फैब्रिक है। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये ब्लू एंड पिंक कलर का सेट था। ये इसका साइज़ है, आई थिंक आपको अच्छे से दिख रहा होगा। प्रिंट भी बहुत अच्छे हैं इसके। एंड ये ऊपर इसमें कॉटन का फैब्रिक है, और अंदर इसमें प्लास्टिक का लाइनिंग लगा हुआ है। मैंने फर्स्ट ट्राई से इसको परचेज किया है। एंड सेकेंड वन इज़ दिस पिंक वन। इसका भी प्रिंट बहुत प्यारा है। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बोला था, आई डोंट नो कि बेबी बॉय होने वाला है या गर्ल, सो मैंने पिंक एंड ब्लू दोनों कलर्स परचेज करे हैं। प्रिंट्स इनके बहुत प्यारे हैं, अगेन समर्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप बहुत ज़्यादा डायपर्स यूज़ नहीं करने वाले हैं बेबी के, ऑब्वियसली रैशेज़ हो जाते हैं समर्स में, तो ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। एंड नेक्स्ट इज़ दिस सेट ऑफ बेड प्रोटेक्टर शीट्स। ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया है। इसमें 2 कलर्स हैं, सी ब्लू कलर है एंड सेकेंड वन इज़ दिस प्लम कलर। ये काफ़ी बड़ा साइज़ है, मैंने मीडियम साइज़ में इसको परचेज़ किया है। अगेन आपको 0 to 1 ईयर तक ये आराम से चल जाएगा। ऊपर इसका जो मटेरियल है गाइज, वो बहुत अच्छा है समर्स के अकॉर्डिंग। फैब्रिक इसका कॉटन का है, और ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर बहुत ज़्यादा डायपर्स यूज़ नहीं करनी है, तो आपको बेड प्रोटेक्टर शीट्स चाहिए ही चाहिए होती हैं, सो इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया है। सेकेंड इज़ दिस ब्लू कलर। ये ब्लू कलर इतना प्यारा ब्लू कलर है ना, समर्स के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है ये। एंड ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। और इसका एक और आपको फ़ायदा है, अगर आपको बहुत बड़ा नहीं चाहिए तो आप मीडियम साइज़ परचेज करके इसको बीच में से कट कर सकते हैं, काफ़ी, क्योंकि काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका, तो आप इसको आराम से, ये 70 x 100 सेंटीमीटर्स का है मीडियम साइज़, सो आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज़ दिस बेबी बाथर, जो कि मैंने परचेस किया है अमेजोन से फ्रॉम द ब्रांड मीमी, विद 3 लेवल्स ऑफ एडजस्टेबल बैक रेस्ट, स्लीपिंग, रिक्लाइन एंड सिटिंग। मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इसका गाइस जो इसका मैश है वो काफ़ी सॉफ्ट है, ये देखिए आप, सॉफ्ट मैश है इसका काफ़ी, और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है। आप इसको ट्रैवल भी आसानी से कर सकते हैं, और दिस कम्स विद दिस पैडेड हेड जो कि बेबी की नेक को सपोर्ट करने वाला है। काफ़ी सेफ एंड कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू बाथ टब। इसमें स्लिपिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज इसके जो फूट्स हैं, दे फूट रेस्ट है दैट दे आर लाइक मोल्डेड इनवर्ड, सो जो कि स्लिपिंग को प्रिवेंट करेगा। एंड काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाला है, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एज़ कम्पेयर टू बाथ टब आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, और आप इसको कहीं भी धूप में सुखा सकते हैं अगर गीला हो गया है। और साथ में मैं अभी आपको इसको ओपन भी करके दिखाऊंगी कंप्लीट। ये ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, और एडजस्टेबल है ये। इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें 3 लेवल्स ऑफ एडजस्टेबल बैक रेस्ट है, तो बेबी के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसका जो मैश है वो काफ़ी सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है, और जो सीट कवर है वो इजी टू रिमूव एंड क्लीन है। हैंड वॉश और मशीन वॉश दोनों आप उसको कर सकते हो। इसका जो बेस है वो एंटेस्किड है, विच प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल सपोर्ट अगेन। एंड ये काफ़ी मतलब ट्रैवल ट्रैवल फ्रेंडली भी है ऑब्वियसली,
तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। इसमें आप न्यूबॉर्न को आराम से नहला सकते हो। और आई थिंक इसमें जो मैंने रिव्यूज़ चेकआउट किए थे वहाँ पर लोगों ने लिखा था रिव्यूज़ में कि आप इसको 1 ईयर तक भी, 6 मंथ तक भी आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी शोइंग यू बेबी पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स। सो डू चेक आउट माई नेक्स्ट वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।